31 मार्च के दिन का स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को इंतजार रहता है क्योंकि इस दिन बच्चों का वार्षिक परिणाम निकलता है। इसी के चलते आज हमीरपुर के निजी व सरकारी स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों की काफी भीड़ देखने को मिली। आज सभी स्कूलों ने अपना वार्षिक परिणाम निकाला। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के MD विकास दीक्षित ने बताया कि आज स्कूल का परिणाम निकाला गया। उन्होंने बताया कि सभी कक्षाओं के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया और स्कूल का परिणाम 100% रहा। प्रसन्नता हो रही है इस समय के प्रदेश के अग्रणी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का आज जो है वो एनुअल रिजल्ट हमने आज अनाउंस किया है 31 मार्च को, और सभी क्लासेस के बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार है। राइट फ्रॉम जूनियर KG टू अप टू 8th क्लास, एवरी स्टूडेंट हैज स्कोर्ड इन अ वेरी गुड ग्रेड। ऑलमोस्ट 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन ए ग्रेड। ए ग्रेड में सभी स्टूडेंट्स ने पास इस एग्जाम को किया है, और ये सारे साल का एक सार है। जो सफलता इनको मिली है वो पूरे साल की जो मेहनत है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की। तो आज का दिन जो है वो इन सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने ए ग्रेड में इस एग्जाम को पास करके अपनी अगली क्लास के लिए जो है वो एक कदम आगे बढ़ाया है। तो आज मैं सभी पेरेंट्स को, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और शहरवासियों को भी ये आश्वासन देता हूँ कि आगे भी हम गुणात्मक शिक्षा जो देने का हमारा वायदा है हम आगे भी ऐसे जारी रखेंगे। इस बार भी हमने इस सेशन से बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो ऐड ऑन की हैं अपने सिलेबस में, जिनमें अबैकस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स के लिए इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज, और एकेडमिक में हमने एक बार फिर से जो अपना जो एक क्वालिटी एजुकेशन है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी एजुकेशन है, उसको आगे बरकरार रखते हुए और भी ज़्यादा इसको सुदृढ़ करने के ऊपर कदम बढ़ाया है। तो बहुत बहुत बधाई सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को और टीचर्स को। आदर्श पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सोनिका शर्मा ने बताया कि आज 31 मार्च को स्कूल का परीक्षा परिणाम निकाला गया और स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। उन्होंने कहा कि अब आगे के सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया की जा रही है। स्कूल का नॉन बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया, जिसमें सभी बच्चे जो हैं वो ए ग्रेड या फिर जो थोड़े बहुत हैं वो बी ग्रेड में निकाले गए हैं, और आगे का यही प्रोसेस है कि कल से एडमिशन स्टार्ट है बच्चों की। 1 अप्रैल से सभी क्लासेस के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी और 10 अप्रैल से क्लासेस जो हैं वो रन कर जाएंगी। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य रविंद्र पुरी ने बताया कि आज स्कूल में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया और पहली से प्लस टू तक के बच्चों का बेहतर प्रदर्शन रहा। तीसरी से प्लस टू तक सभी बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। आज अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जा रही है। सभी बच्चों ने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, और स्कूल का रिजल्ट जो है वो 100% रहा है। हमारा अगला जो सेशन है 2017-18 का, उसके लिए एडमिशन्स आज से हम शुरू कर रहे हैं, और ये एडमिशन्स 7 अप्रैल तक चलेंगी। फर्स्ट क्लास से नर्सरी से 10th क्लास तक की जो क्लासेस हैं वो 10 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, जबकि 11th और 12th की जो क्लासेस हैं वो 17 अप्रैल से स्कूल शुरू करने जा रहा है। मैं सभी अभिभावकों को अपनी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आगामी आने वाले सत्र के लिए बहुत बधाई देता हूं, और मैं ये एश्योर करता हूं कि स्कूल भरसक प्रयास करेगा इनके बच्चों को हर तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए। सर, इस बार जो है इस बार गुरुकुल पब्लिक स्कूल अपना दूसरा कैंपस गोपाल नगर पक्का भरोह में भी शुरू करने जा रहा है। उसके लिए एडमिशन्स जो हैं वो गांधी चौक वाले कैंपस में ही की जा रही हैं, और ये सेशन 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा गोपाल नगर में भी और गांधी चौक में भी। गुरुकुल पब्लिक स्कूल गांधी चौक और गोपाल नगर दोनों तरफ क्लासेस रन करेगा, और इसमें जिन अभिभावकों की रुचि गांधी चौक वाले कैंपस में हो वो यहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला करवा सकते हैं, जिनकी रुचि गोपाल नगर वाले कैंपस में है वहाँ पर अपने बच्चों को
दाखिल करवा सकते हैं। एडमिशन्स सभी गोपालनगर और गांधी चौक के कैंपस की गांधी चौक वाले कैंपस में ही हैं। टाल हमने 9th से प्लस 2 तक के बच्चों के लिए 3 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रावधान किया है, जिसमें बच्चों को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, NTSC, JEE मेन, HPPMT या नीट की एग्जाम्स की जो भी तैयारी है वो आफ्टर स्कूल आवर्स जो है वो स्कूल देने जा रहा है, और इसके लिए स्टडी मटेरियल स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी तैयारी करवाई जाएगी। KK स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश कटोच ने बताया कि स्कूल के नॉन बोर्डिंग कक्षाओं का परिणाम 100% रहा। उन्होंने बताया कि बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया। परिणाम डिक्लेयर हुए बच्चों के पूरे सेशन 2016-17 के, जिसमें हमारे स्कूल का नॉन बोर्ड क्लासेस का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है, 100% रिजल्ट है बच्चों का, KK पब्लिक स्कूल के बच्चों का। बहुत अच्छा किया बच्चों ने, बड़ी इम्प्रूवमेंट है। जो बच्चे हमारे पास नए आए थे पिछले साल, उन बच्चों ने इस साल काफी इम्प्रूवमेंट शो की है, बड़ा अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही है पेपरों में। और काफी बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके 100% मार्क्स हैं, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं जो हमारे पास से चल रहे हैं शुरू से, उन बच्चों के 100% मार्क्स हैं, 100% मार्क्स लिए हैं बच्चों ने, तो काफी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट है। उम्मीद है हमें कि ये बच्चे हमें बोर्ड क्लासेस में बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी अभी बोर्ड क्लासेस के एग्जाम कम्प्लीट हुए हैं, जो कि बच्चों काफी अच्छे हुए हैं, और जब बोर्ड रिजल्ट आएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे 100% रिजल्ट होंगे और बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे बोर्ड क्लासेस के रिजल्ट्स में भी। शुरू ही है हमारा जो एडमिशन ओपन है, आप लोगों ने देखा होगा जो होर्डिंग्स भी लगे हैं हमारे, और जो अदर एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस है उसमें भी आपने देखा होगा हमारी एडमिशन ओपन है अब, और नेक्स्ट सेशन के लिए 2017-18 के लिए हमने जो है वो एडमिशन ओपन किया हुआ है आजकल, जो कि नेक्स्ट अप्रैल मंथ तक चलेगा। और हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हमने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, जो पेरेंट्स नॉमिनल पे कर सकते हैं जिससे पेरेंट्स पे बहुत बर्डन ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में बहुत हाई पे स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर होता है जिससे पेरेंट्स पे बर्डन आ जाता है और उनका सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों के एजुकेशन की वजह से।